यहाँ पे ये देखिए कितनी बढ़िया से एकदम ये आइसक्रीम हमारी बनके रेडी है मैंगो से। मैंगो आइसक्रीम बढ़िया से घर पे बनाइए, खाइए। सो कैसे हो सबके सब? बढ़िया। देख के तो आप लोगों ने बढ़िया सा एकदम देखी होगी जैसे हम लोगों ने अभी आइसक्रीम बनाई है मज़ेदार सी। जी हाँ, वो आइसक्रीम थी आपकी ये मैंगो आइसक्रीम, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक आम का हम लोगों ने इसको निचोड़ लिया है बढ़िया से, एकदम इसका ब्लेंड बना दिया इसको निकाल के। और उसी के लिए हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे मेन तो हो गया आम, उसके बाद चाहिए हमें दूध। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ लीटर दूध यहाँ पर हम लोगों ने गैस पर चढ़ा दिया है। और उसी के साथ साथ हमें चाहिए यहाँ पे फ्रेश क्रीम, क्योंकि हम लोग अगर आप चाहें तो मार्केट के अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करते हैं, वरना आप घर के ही जो दूध उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई जमती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन इंग्रेडिएंट आज जो होने वाला है वो होने वाला है ये मैरी गोल्ड बिस्किट ब्रिटानिया का। जी हाँ, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है, क्यों वो आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गर्म करते हैं अपना ये दूध। दूध बॉईल करने को चढ़ा दिया है, मैंगो हम लोगों ने काट कूट के पहले रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है अपना आम कर लिया है, और साथ ही साथ इस अब आती है बारी बिस्किट की, क्योंकि अभी दूध उबल रहा है। अब इसको ओपन करते हैं, बिस्किट को फाड़ते हैं और बढ़िया से हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे ग्राइंड। जी हाँ, जार के अंदर डाल के हम लोग सारे बिस्किट्स को जार के अंदर डाल के ग्राइंड करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मारी गोल्ड बिस्किट ही क्यों लिया। मैं भी आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मारी गोल्ड बिस्किट लेने का मोटिव ये है क्योंकि इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। आप लोग अगर यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि मारी गोल्ड बिस्किट का खुद का कोई भी टेस्ट नहीं होता, या फिर आप अदर कोई बिस्किट लें तो उसमें खुद का फ्लेवर आता है। आप पार्ले जी भी लें तब भी उसका फ्लेवर आता है, बट इसका कोई खुद का फ्लेवर नहीं होता, प्लस ये उतना मीठा भी नहीं होता। सो इसका क्या है, हम लोग अभी इसका पेस्ट बनाते हैं, देन इसको हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं दूध में। ठीक है, बताते हैं कैसे करते हैं। अभी तो पहले इसको फर्स्टली ग्राइंड करते हैं। सो यहाँ पे जो है हमारे मारी गोल्ड बिस्कुट को बढ़िया से हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया। अब इसको करना क्या है, अब इसको हम लोग डालेंगे कंटेनर में और बनाएंगे इसका मारी गोल्ड बिस्किट और दूध का पेस्ट। सो अब इसको डालते हैं कंटेनर में, मतलब बाउल में, इसमें डालते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे जो है आप जो हम लोगों ने यहाँ पे हाफ लीटर दूध ले रखा है हम लोग इसी दूध का यहाँ पे उपयोग करेंगे, इसका बढ़िया से पेस्ट बनाते हैं। अब इसको बढ़िया से एकदम हम लोग इसको मिक्स करेंगे, इसका बनाएंगे हम लोग पेस्ट। तो फटाफट से इसका पेस्ट बना के दिखाते हैं। सो यहाँ पे इसको 1.5 मिनट फेंटने के बाद ये बढ़िया से कुछ ऐसा आपका पेस्ट बनेगा। इसके अंदर आप दूध को डालते रहें और लगभग इतना आपका थिक होना चाहिए ये पेस्ट। और यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा जो दूध है वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जलना भी स्टार्ट करवा दिया यहाँ पे बढ़िया से। अब इसको करना है क्या है, देखिए इसमें ही मलाई अपनी बननी स्टार्ट हो गई है। ऐसी जो मलाई बनती है ठीक वैसे ही हम लोगों ने मलाई अलग से कटोरी में निकाली थी, तो मेक श्योर मलाई आपकी ठंडी हो। अब क्या करना है, अब जो हमारा ये पेस्ट है ये जाएगा इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा डाला और फिर इसको इसमें मिक्स करेंगे धीरे धीरे करके। बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं बनाई हो, मतलब अगर अभी तक आपने नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज अभी तक तो लेके आया हूँ, आगे भी लेके आता रहूँगा। और वैसे ही बढ़िया, और आप लोग जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक, ना पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक, दोनों ऑप्शन देता है यूट्यूब, दोनों में से कोई एक तो हिट करके ही जाया करो। और साथ ही साथ नीचे कमेंट भी मार दिया करो जो आपका ऑप्शन आपने जो चूज़ किया हो। लाइक कर रहे हो बहुत थैंक यू, नीचे आप कमेंट में डाल दिया करो कि आपको अपकमिंग क्या रेसिपी आप देखना चाहते हो। और डिसलाइक कर रहे हो तो बताया करो कि मतलब किस वजह से आपने डिसलाइक किया, ताकि हम अपनी चीज़ों को सुधार पाएँ और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। सो यहाँ पे अभी तो हम लोग फ़िलहाल आइसक्रीम बना रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, आइसक्रीम बढ़िया से बनाएंगे और घर पे ही खाएंगे। लॉकडाउन
का मज़ा लेंगे हम लोग आइसक्रीम के साथ। और हाँ, यहाँ पे ये आपको तो बताना भूल गया था, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये कॉर्नफ्लावर से भी अच्छा, टेस्ट भी इसका बढ़िया आता है, कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा बढ़िया आता है। सो मेक श्योर आप इसको ज़रूर अपने घर पर ट्राई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाली है ये रेसिपी, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और आप इन लट्स को मत देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब मैं कुछ भी प्रिपेयर करता हूँ वैसे घोलने वाली चीज़, तो हमेशा मैं लट्स की बात करता हूँ कि लट्स नहीं पड़ने चाहिए। इसमें लट्स पड़ भी रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आगे इसमें और काम होना है। सो अब ये जैसे कि गाढ़ा होना शुरू हो गया, अब बारी है इसमें चीनी डालने की, तो इसमें चीनी डालते हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग एक छोटी कटोरी चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि जब तक आइसक्रीम मीठी ना हो तो मज़ा आ गया सा। इसको एकदम बढ़िया से आइसक्रीम बढ़िया मीठी बनाने वाले हैं। आम मेक श्योर आपका मीठा हो, बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम बनने वाली है। यहाँ पे हम लोग चीनी को एकदम बढ़िया से इसको इसी में गला के थिक विक करके देन इसको ठंडा होने देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद इसको भी ग्राइंड करना है एक बार और। जी हाँ, इसको एक बार और ग्राइंड करेंगे, ताकि जो ये लट्स है, जो ये लम्स पड़ रहे हैं इसमें, ये चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपनी चीनी का अंदाज़ जो है, यहाँ पे मैंने तो एक कटोरी लिया है, और हमने अपनी आम की क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब हम लोगों का ज़्यादा ही हो गया था, तो हम लोगों ने आम की जो क्वांटिटी है वो एक से हम लोगों ने दो कर दी है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने दो आम कर दिए उसको भी, और बढ़िया से अब ये हो चुका है। अब इसको होने देते हैं सेट, ठंडा होने देते हैं। जो इसकी थिकनेस होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ये बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है। गैस को करते हैं ऑफ, अब इसे बढ़िया से एकदम ठंडा होने देंगे। जी हाँ, जब तक ये गर्म रहे तब तक इसको ग्राइंड नहीं करना है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसको जो है बढ़िया से ठंडा होने देंगे, यहाँ पर एकदम ठंडा हो जाना चाहिए, और तभी इसको ग्राइंड करना है। सो यहाँ पे जो है हमारी जो हम लोगों ने जो ये पेस्ट बनाया था, दूध बिस्किट और इसमें चीनी डाली थी, ये बढ़िया से एकदम टाइट एकदम ठंडी हो चुकी है। अब पारी है इसको और हमारे इस मैंगो को, क्योंकि हम लोगों ने दो आम लिए थे, मैंने स्टार्टिंग में एक बोला था क्योंकि उस समय एक था, हम लोगों ने इसी क्वान्टिटी बढ़ा दी है क्योंकि जो पेस्ट है उसके अनुसार। सो हम लोगों ने अब क्या करना है, इसको इन दोनों को इस मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है बढ़िया से, फिर दिखाते हैं आपको कैसे इसको ग्राइंड करने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये मिक्सचर है, ये हमारा इसका आम और अपने पेस्ट का बढ़िया से जो ये मिक्सचर है ये अपना रेडी है। अब इसमें करना है क्या है, अब इसके अंदर हमें डालनी है हल्की सी क्रीम। जी हाँ, अभी हमारे पास एक हमारे जार में ये पूरा आया नहीं, तो हम लोग इसको दो शिफ्ट दो उसमें करेंगे, दो हिस्सों में। पहले में तो हम लोगों ने एक हिस्से में अपना एक पेस्ट बना दिया और इसके अंदर क्रीम डाल दिया, फिर इसको भी हम लोग बढ़िया से इसमें ये क्रीम डाल दिया ताकि ये स्मूथ हो जाए, आइसक्रीम जो है बढ़िया से क्रीमी और स्मूथ हो जाए। आपका जो आप लोग ये जो इससे पहले जो आप लोगों ने टेक्स्चर देखा होगा, मैं साइड से निकाल के दिखाता हूँ, ये जो आपने यहाँ पर साइड वाला टेक्स्चर देखा, वो देखा आप लोगों ने कि कितना क्रीमी था, ये देखिए कितना क्रीमी हो रखा है, ये बढ़िया सा ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग बनने वाला है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्रीम डाल दी गई है, अब इसको करते हैं ग्राइंड। सो यहाँ पे देखिए, ये अब क्रीम डालने के बाद और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया, देख रहे हैं कितना बढ़िया। देखिए आपका कुछ ऐसा पेस्ट रेडी करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से दोनों हिस्से करते हैं ब्लेंड, जो हम लोगों का थोड़ा सा और पार्ट बचा है उसको करते हैं, जार थोड़ा छोटा है एक बार में आया नहीं, तो फटाफट से दोनों को ब्लेंड करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे जो है हमारा फुल एकदम बढ़िया से ये क्रीमी सा टेक्सचर हमारा रेडी है आइसक्रीम के लिए फुल्ली। इसमें आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँ, ये आम की हम लोगों ने आइसक्रीम बनाई है, जिसमें हम लोगों ने दो आम, मैरी बिस्किट के 10 अप्रॉक्स 10 बिस्किट, हाफ लीटर दूध। हम लोगों ने पहले दूध को मैरी बिस्किट को ग्राइंड किया, फिर उसको दूध के साथ मिक्स किया, फिर उसको जो है हम लोगों ने गैस पे चढ़ाया बढ़िया से, फिर उसके बाद उन सबको मिला जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी देखा। अब इसकी बारी है इसको अब जो है 3 घंटे के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए छोड़ देना है। तो अब बारी है इसको जो है
करते हैं, ढक्कन से ढकते हैं और फिर इसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है इसका। सो, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 3 घंटा इसको बढ़िया से एकदम फ्रीज़र में जमा दिया था अपने इस कस्ट अपने हम लोगों ने जो ये मिक्सचर बनाया था, ये देखिए कितना एकदम बढ़िया से एकदम थिक हो चुका है, ये देख रहे हैं एकदम लग रहा है ना अभी से आइसक्रीम वाला फील आना शुरू हो गया है। बट इसको करना है क्या, अभी ये प्रॉपर आइसक्रीम नहीं बनी है, इसको अभी 3 घंटे ही हुए हैं, तो इसको अभी करना है क्या है, इसको भी इस पूरे पेस्ट को हम लोग पहले ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद इसको सेट करने के लिए छोड़ेंगे। तो पहले करते हैं इसे ब्लेंड, फिर दिखाते हैं कैसे करना है। सो, यहाँ पे जो है हम लोगों ने बढ़िया से इसका ब्लेंड कर लिया, देखिए कितना क्रीमी सा ये टेक्सचर आया, देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आपको ब्लेंड करने से क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है, देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथनेस आ गई है इसमें। अभी क्या करते हैं, इसको पहले निकालते हैं इसके अंदर से, तब आपको दिखाते हैं। सो, यहाँ पे ये जो है हम लोगों का जो ये क्रीमी टेक्सचर था ये अपना एकदम रेडी है बढ़िया से। अब इसको करना क्या है, हल्का सा इसे ना ऐसे करना है ताकि इसके एयर बबल्स मर जाए और ये बढ़िया से एकदम सेट हो जाए। और इसको जो है अपने स्पून या फिर किसी भी चीज़ से इसको एकदम बढ़िया से एकदम बराबर कर ले ताकि देखने में भी अच्छा लगे। देखिए लगभग लगभग ये बराबर हो चुका है। अब इसके ऊपर क्या है, हल्के से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी डालने हैं वो डाल दें। हम लोग यहाँ पे ये बादाम के हल्के हल्के से डाल रहे हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और खाने में तो और बेहतरीन लगेगा। आप ज़रूर बनाइएगा, आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है। सो, अब करना है क्या है, अब इसका एंड है, मतलब अब इसको फ्रिज में डाल देना 7 से 8 घंटे के लिए जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता। ठीक है, डालते हैं इसे फ्रिज में, देन दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे जो है हमारी ये आइसक्रीम एकदम बन के बढ़िया से तैयार है, देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये आइसक्रीम बन के इसमें रेडी है। और इसको करना है क्या है, अब इसको हम लोग निकालेंगे, ऐसे कट करके नहीं, इसका पूरा एकदम ऐसे बढ़िया से स्लाइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको उठा के पानी में डालते हैं ताकि ये साइड साइड से छोड़ दे और तब इसको बढ़िया से निकाल के आपको दिखाते हैं। सो, जैसे ही आप इसको पानी में रखते हैं तो ये कुछ ऐसा साइड से छोड़ना शुरू कर देता है। ध्यान रहे ज़्यादा देर ना छोड़े, इसको हल्का सा धीरे धीरे ऐसे करके हिलाते रहना पड़ता है ताकि तब ये धीरे से साइड से छोड़े और तब आप इसको ऐसे प्लेट में पलट दीजिए। तो अभी इसको पलटते हैं। तो जी यहाँ पे ये देखिए कितनी बढ़िया से एकदम ये आइसक्रीम हमारी बन के रेडी है मैंगो से। मैंगो आइसक्रीम बढ़िया से घर पे बनाइए, खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर पसंद आई हो और आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो उसका भी कारण नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, लाइक करें डिसलाइक करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर तीनों करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई रेसिपी लेके, लुफ्त उठाते हैं इस आइसक्रीम का, मज़े करते हैं। बाय।